नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो पॉडकास्ट द लिज व्हीलर शो की होस्ट लिज व्हीलर ने ट्वीट किया था कि अगर एप्पल और गूगल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाते हैं तो एलन मस्क को खुद का स्मार्टफोन लॉन्च कर देना चाहिए कि नहीं। उसी पर व्हीलर ने आगे एक बात कही थी कि जो शख्स मंगल पर जाने के लिए रॉकेट बना सकता है तो एक छोटा सा स्मार्टफोन बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर एक पोल भी किया। पोल का सवाल है कि क्या आप टेलोन फोन पर स्विच करना चाहेंगे। जी हां, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, टेलीफोन नहीं, टेलोन फोन बोल रहा हूं, जिसमें कि ELO है एलन मस्क का। तो इस पोल पर लगभग 60% से अधिक लोगों ने जो जवाब दिया वो हां में दिया। इसी ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए एलन मस्क ने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन हां, अगर कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं एक वैकल्पिक फोन बनाऊंगा। अब यह बात क्यों की जा रही है वो देखिए, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि ट्विटर के बाद एलन मस्क की नजर गूगल पर है। मतलब ये खुलकर नहीं कर सकते, लेकिन यह देखा जा रहा है। मस्क की कंपनी है जिसका नाम है OpenAI, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ग्रुप है, ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट लॉन्च किया। इस AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम है ChatGPT। जी, अब बात करते हैं चैटबॉट की। देखिए, चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। चैटबॉट का सामान्य अर्थ एक रोबोट होता है जिसका प्रयोग हम बातचीत के लिए करते हैं। चैटबॉट को बहुत सारे लोग ऑटो रिप्लायर के नाम से भी जानते हैं। चैटबॉट कन्वर्सेशन को हम ऑटो रिप्लाई कन्वर्सेशन भी कहते हैं। चैटबॉट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनी अपनी वेबसाइट के लिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए करती है। इन कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, इसलिए चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चैटबॉट एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकता है, चैटबॉट को इसलिए वर्चुअल असिस्टेंस भी कहा जाता है। एलेक्सा, सीरी, ये सब भी एक चैटबॉट ही हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। अगर हम चैटबॉट की हिस्ट्री की बात करें तो 1960 के दशक में MIT के प्रोफेसर, जिनका नाम था जोसेफ विजेनबाम, उनके द्वारा इसे लाया गया था। उन्होंने ही पहले चैटबॉट को विकसित किया था और इस चैटबॉट का नाम था एलिजा। चैटबॉट कम्युनिकेशन पर आधारित है और ह्यूमन लैंग्वेज और इमोशन को समझकर सही जवाब दे देता है। मतलब OpenAI, जो मस्क की कंपनी है, ने जिस चैटबॉट ChatGPT को लॉन्च किया है वह चैटबॉट संवाद आधारित है। चैटबॉट कम्युनिकेशन पर आधारित है और ह्यूमन लैंग्वेज और इमोशन को समझकर सही जवाब दे देता है। मतलब OpenAI, जो कि मस्क की कंपनी है, ने जिस चैटबॉट ChatGPT को लॉन्च किया है वह चैटबॉट संवाद आधारित है, जो मानवीय भाषा और व्यवहार को समझकर जवाब देने में सक्षम है। इसकी विशेष क्षमताओं के कारण यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह गूगल को कड़ी टक्कर देते हुए उसकी जगह भी ले सकता है। अब बात करते हैं ChatGPT की, कि ChatGPT आखिर है क्या। तो आसान शब्दों में ChatGPT को समझें तो यह एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें यूजर सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि अब तक सामने आए कई अन्य चैटबॉट्स भी जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ खास सवालों, मतलब है कि जिस विषय के लिए उसे बनाया गया है, के जवाब ही दे सकते हैं। जबकि ChatGPT इन सब से काफी अलग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सभी तरह के सवालों का जवाब देने में सक्षम है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह के सवालों के जवाब शामिल हैं। OpenAI द्वारा बनाया गया ChatGPT 3.5 लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लिखने पढ़ने से लेकर अन्य सभी तरह के कार्यों में यूजर्स का सहयोग करेगा। साथ ही यह अनावश्यक या काल्पनिक सवालों को भी समझता है, यानी कि ChatGPT की सेल्फ सेंसरिंग भी बेहतरीन है। जिस ChatGPT की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उस ChatGPT को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा तैयार किया गया है। सिस्टम को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से जानकारी प्रदान करने और सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान्य चैटबॉट की तरह ही है, जिन्हें कुछ विशिष्ट कीवर्ड और वाक्यों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। समय के साथ साथ बॉट
अधिक से अधिक प्रश्नों को समझने के लिए स्वयं को ट्रेंड कर लेते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं यह बात कहूं तो कोई भी बातचीत करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अनुभव से सीखता और ट्रेंड होता है, मतलब उसकी ट्रेनिंग होती है। इसी प्रकार चैट जीपीटी को भी कुछ शब्द नहीं बल्कि कई लाख शब्दों और वाक्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेंड किया गया है। इसी ट्रेनिंग के द्वारा अब यह सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी यानी कि ओपन एआई का कहना है कि इसे इसलिए बनाया गया था ताकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में आसानी हो। ओपन एआई ने कहा कि चैट जीपीटी सवालों के जवाब देता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अनुचित अनुरोधों या सवालों को नकार देता है। यानी यदि चैट जीपीटी को लगता है कि सवाल गलत है या काल्पनिक है तो वह इस बारे में भी यूजर को बता देता है। फिलहाल ओपन एआई ने चैट जीपीटी को टेस्टिंग के लिए ही लॉन्च किया है, लेकिन अगले साल एपीआई एक्सेस की भी उम्मीद की जा रही है। एपीआई एक्सेस मिलने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस चैट बोट को अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करने में सक्षम होंगे। देखिए, यूं तो चैट जीपीटी का उपयोग कर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी ओपनएआई का कहना है कि चैट जीपीटी कभी कभी गलत जानकारी भी दे सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका नॉलेज साल 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है। अब यह सवाल मन में जरूर आता है कि क्या यह गूगल की जगह ले सकता है या नहीं, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की। तो इसका उत्तर हां और ना दोनों में है। क्यों? इसलिए क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है जिससे करंट न्यूज से लेकर, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो या सोशल मीडिया कंटेंट हो, है ना, उसको हम सर्च कर सकते हैं या उसको उसे सर्च किया जा सकता है। वहीं चैट जीपीटी में फिलहाल ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह गूगल से बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है और चीजों को अच्छे ढंग से समझकर उसके बारे में विस्तार से बताता भी है, जबकि गूगल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कुछ मामलों में यह गूगल से बेहतर भी साबित हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित एक चैटबॉट की बात की जिसका नाम है चैट जीपीटी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।